हे एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियेश विद्यापीठ। दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए कि सर टॉप कॉलेजेस का लिस्ट बताएं कि हम कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले तो हमारा फ्यूचर अच्छा बने, हमको वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई मिले और हमें बाहर कहीं पे कुछ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सी कॉलेज में आपके मेरिट के मुताबिक एडमिशन लेना चाहिए। मैं वो टॉप कॉलेजेस के नाम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम मिलने वाले। अगर आप डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन ले रहे हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर डिग्री में एडमिशन लेने वाले हो, तो ये सभी जगह पे, मतलब कि आप आपका इंजीनियरिंग करने वाले हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, इंजीनियरिंग फील्ड में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कॉलेज में कौन सी कॉलेज टॉप पर आती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगी। और लास्ट में मैं आपको एक डिसीजन बताऊंगा कि ये सब कुछ न देखना भी हो तो आपको आपकी कॉलेज कैसे चॉइस करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट होता है एक कॉलेज का आपके इंजीनियरिंग के लाइफ के दौरान। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन भी प्रेस करें सो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की प्रियेश विद्यापीठ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें सो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंट अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेगी। देखो, मैंने इस वीडियो में कौन सी कॉलेज फर्स्ट नंबर पर है और कौन सी कॉलेज लास्ट नंबर पर, मैंने 15-20 कॉलेज को अलग निकाला है, ऐसा नहीं बाइफरकेट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप टॉप मोस्ट कॉलेज में भी पढ़ोगे लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं होगी, आपको कुछ सीखने की इच्छा नहीं होगी, आपका रिजल्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा, रट्टाफिकेशन वाला रिजल्ट होगा, तो वो रट्टाफिकेशन वाला रिजल्ट भले ही आपने टॉप नंबर की कॉलेज से किया हो आपका इंजीनियरिंग, तो भी आपको जॉब देने में हेल्पफुल नहीं होगा, या फिर जॉब मिलेगी तो 10,000-12,000 वाली मिलेगी, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे अच्छी कॉलेजेस के नाम देख रहा हूँ। अभी आपको कितनी चीज़ें देखनी है इस कॉलेजेस में वो मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं सिंपल कॉलेजेस के नाम आपको बता दूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आए। देखो, पहली चीज़, जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तब तक प्राइवेट कॉलेजेस अगर अच्छी भी है तो भी फीस न भरे। अगर 1-1.5 लाख फीस है तो वो क्यों बिगाड़े? प्राइवेट कॉलेज की जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन मिल रहा है, नज़दीक गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्टल में नहीं जाना पड़ रहा है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं गांधीनगर में हूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं गांधीनगर और अहमदाबाद में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसको दूंगा। उसके बाद भले ही निरमा शायद फर्स्ट नंबर पे क्यों ना हो तो भी मैं निरमा चूज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे वहाँ पे फ्री शिप में मिल रहा हो तो मैं उसको चूज़ करूँगा, या फिर मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो जिसमें मेरी फीस वापस आ रही हो तो मैं उसको पसंद करूँगा। ये मेरी राय है। इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इंजीनियरिंग के हर एक कॉलेजेस जो हमारे आसपास गांधीनगर के एरिया की है उसको पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट 2 ईयर्स से मैं पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स को मैथ्स ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है तो सबके एक्सपीरियंस उनके कॉलेज के रिस्पेक्ट में क्या है वो सब मुझे पता है। मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, कोई फर्स्ट नंबर पे नहीं है उसमें, कोई 15-20 कॉलेजेस अलग है उसमें, कोई लास्ट नंबर पे नहीं है, सबकी वैल्यू सेम है। आपको इसमें क्या देख के एडमिशन लेना है वो मैं बताने वाला हूँ वीडियो पे, श्योर बने रहना, वीडियो को देखते रहना और लाइक भी करना। BVM वल्लभ विद्यानगर गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। दूसरी है LD अहमदाबाद में है। तीसरी है GEC गांधीनगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। फोर्थ नंबर कोई नंबर नहीं है। उसके बाद है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। उसके बाद है VGEC अहमदाबाद चांदखेड़ा में। उसके बाद अदानी अहमदाबाद में। उसके बाद LDRP जो KSV यूनिवर्सिटी में आती है, कड़ी सर्व विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने मेरी मास्टर डिग्री की है, गांधीनगर। उसके बाद DDU नड़ियाद जो गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों वहाँ पे है। उसके बाद GCET वल्लभ विद्यानगर। उसके बाद निर्मा कॉलेज जो अहमदाबाद में है वैष्णो देवी सर्कल के पास में। उसके बाद PDPU जो गांधीनगर में रायसन के पास में है। उसके बाद LJ सरखेज का जो लास्ट स्टॉप है वो कॉलेज। उसके बाद चारूसेट मतलब CPET चांगा। उसके बाद इंडस यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर आप राजकोट के एरिया के हो तो राजकोट में आपके पास ऑप्शन में है दर्शन, मारवाड़ी, VVP एंड आत्मीय। दर्शन, मारवाड़ी, VVP एंड आत्मीय, उसमें से सबसे बेस्ट आपको पसंद करनी हो तो आपको जिस ब्रांच में एडमिशन लेना हो उस ब्रांच का लास्ट टाइम का कट ऑफ सबसे पहले किसका बंद हुआ था वो देख लेना, वो सबसे बेस्ट कॉलेज। अगर आप राजकोट के हो, जामनगर के हो, सौराष्ट्र के कोई एरिया के हो तो राजकोट में ये बेस्ट कॉलेज है, आप सबको यहाँ पे आके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कॉलेज में अगर आपको फ्री शीट में मिल रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन लो, घर पे रहो, शांति से पढ़ाई करो, अच्छे से घर का खाना खाओ, हॉस्टल में रह के हेल्थ बिगाड़ने की कोई वहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें मैंने बताया कि इसमें से सबसे बेस्ट पसंद करनी हो तो उसका लास्ट टाइम का कट ऑफ देख लो, तो उसमें से आपको बेस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि कोई कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच अच्छी होती है तो कोई में मैकेनिकल भी अच्छी होती है, वो आपको कट ऑफ देखने से पता चल जाएगा। उसके बाद GEC मोड़ासा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ासा। उसके बाद SVPIT सरदार वल्लभ भाई पटेल वासद। उसके बाद ADIT करमसद विद्यानगर में है। उसके बाद BIT बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
इतनी कॉलेजेस मैंने अलग निकाली है। अब देखो सिंपल, क्या आप इसमें से पसंद करो, पहले देखो कि गवर्नमेंट, देखो इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस है बहुत सारी, भावनगर में है, भरूच में है, मोरबी में है, अलग अलग जगह, मैंने उसका भी लिस्ट निकाला था, अगर मैं नाम बोलूँ तो इतनी इतनी जगह पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, भरूच, भावनगर, भुज, पाटन, वलसाड एंड मोड़ासा एंड गांधीनगर। तो और कोई रह गई हो तो मुझे इसका एक्स्ट्रा आइडिया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, अब मान लो कि मैं गांधीनगर का बंदा हूँ और मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं पहले चॉइस में रखूँगा गांधीनगर की गवर्नमेंट कॉलेज, देन चांदखेड़ा वाली गवर्नमेंट कॉलेज, देन एलडी वाली गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें से मुझे देख लूँगा कि भाई मुझे प्रिफरेबल कौन सी रहती है, मतलब मैं एलडी और चांदखेड़ा की कंपेरिजन करूँगा और मैं ऐसा देखूंगा कि भाई अगर मुझे एलडी में लेना ही या फिर विश्वकर्मा में लेना है तो विश्वकर्मा वाला अप डाउन मेरा इजी रहेगा, मतलब कि एग्जाम के टाइम शायद मैं हॉल टिकट भूल गया, कुछ चीज़ें भूल गया तो मैं वापस घर आ सकूंगा, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैंने एलडी में एडमिशन लिया तो मुझे एलडी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे घर से एलडी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बीच में अहमदाबाद है, अहमदाबाद का रूट भी इतना ट्रैफिक वाला होता है, तो होते हैं 20 या 25 किलोमीटर लेकिन लगते हैं 40-45 मिनट्स, और आने जाने में मुझे बसेस की फ्रीक्वेंसी भी इतनी नहीं मिलती है, तो मैं चॉइस करूँगा चांदखेड़ा कॉलेज, भले ही एलडी का कट ऑफ पहले बंद हो रहा है, चांदखेड़ा वाला उसके तुरंत बाद बंद हो रहा है। अब मैं कंपेरिजन करूँगा गांधीनगर वाली कॉलेज का चांदखेड़ा वाली कॉलेज से। अब सुनो, गांधीनगर वाली कॉलेज का चांदखेड़ा वाली जो विश्वकर्मा कॉलेज है उससे तो नीचा कट ऑफ है, लेकिन आपने सर बोला कि आप तो देखते हो ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर ये जो गांधीनगर वाली कॉलेज है वो तो आपके घर से 5 किलोमीटर है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हो, तो विश्वकर्मा में एडमिशन क्यों न लिया, और आपने विश्वकर्मा में एडमिशन क्यों लिया और ये गांधीनगर गवर्नमेंट में क्यों न लिया, आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हो। फिर मैं ऐसा देखता हूँ ट्रांसपोर्टेशन का कंपेरिजन कि भाई ये 5 किलोमीटर है वो 12 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर जाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 12 किलोमीटर वाला रास्ते में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो कोई जगह पे इतना ट्रैफिक है ना तो रास्ता ख़राब है, लेकिन उसकी वैल्यू इस कॉलेज की वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर मैं वो 6-7 किलोमीटर वाला है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके विश्वकर्मा में एडमिशन लूँगा। तो आई होप मैंने 3 कॉलेजेस का कंपैरिजन बताया जिसमें एलडी फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद वीजीसी है, उसके बाद गांधीनगर वाली है। विश्वकर्मा और एलडी में मैंने कंपैरिजन बताया आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का, सेम टू सेम विश्वकर्मा और गांधीनगर वाली कॉलेज में भी मैंने आपको कंपैरिजन बताया आने जाने का, उसमें जाना दूर पड़ रहा था इसलिए मैंने चांदखेड़ा क्यों लिया, इसमें जाना नज़दीक है तो भी मैंने चांदखेड़ा क्यों लिया। अब समझो कि भाई गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में मिल रहा है, तो मैं प्राइवेट में क्या चेक करूँगा, मैं खुद हूँ गोता, मैं कौन सी चीज़ें प्राइवेट में चेक करता हूँ, जब मुझे फ़ीस भरनी ही है तो मैं प्राइवेट भी, अगर 2 कॉलेजेस हैं मेरे पास, मान लो मेरे पास 3 कॉलेज है, पहली कॉलेज है एलजे अहमदाबाद, दूसरी है सिल्वर ओक और तीसरी गांधीनगर की एलडीआरपी। अब तीनों कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है, तीनों की फ़ीस मोस्ट प्रोबेबली सेम है, पर ईयर की मान लो 1 लाख के आसपास है, तो मैं इस कॉलेजेस में पहले एक बार कट ऑफ के ऊपर नज़र डालूँगा। मैं यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखता कि भाई GTU है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, KSV है, तो कोई यूनिवर्सिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तक ऐसा मैंने सुना है, बहुत लोग बोले हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी का फ़र्क पड़ता। अगर यूनिवर्सिटी का फ़र्क पड़ता तो निरमा यूनिवर्सिटी है, तो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के अच्छी जॉब लेते हैं। PDPU यूनिवर्सिटी है तो भी वहाँ से स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, वो तो GTU के अंडर में नहीं आती है। तो चीज़ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात ऐसी है एलजे अपनी बीच में आ रही सिल्वर ओक या फिर यहाँ की गांधीनगर की एलडीआरपी, तो इस केस में तो मैं सिंपल सेम फीस भरनी है तो मैं क्या देखता, सबसे नज़दीक कॉलेज कौन सी है, तो मैं लेता एडमिशन एलडीआरपी में, भले ही वो KSV यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे आने जाने में थोड़ा फ़ायदा रहता है। अगर मैं कंपेरिजन करता एलजे और सिल्वर ओक की, तो एलजे जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, सिल्वर ओक थोड़ी मेरे घर से नज़दीक है, लेकिन जब मैं इतना जा ही रहा हूँ तो मैं एलजे का कट ऑफ देखूंगा और सिल्वर ओक का कट ऑफ देखूंगा, एलजे की फैकल्टीज़ देखूंगा, सिल्वर ओक की फैकल्टीज़ देखूंगा, फिर जाके मैं डिसीजन लूँगा तो मैं एलजे का ही लूँगा, अगर मुझे यहाँ पे गांधीनगर एलडीआरपी में नहीं मिल रहा है तो ऐसे करके आपको डिसीजन लेने होते हैं। देखो चीज़ ऐसी नहीं होती कि अच्छी कॉलेज, बहुत अच्छी कॉलेज है उसके लिए दूर जाना पड़े, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम ना है, आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो ये सब चीज़ें करें, वरना कॉलेज से फ़र्क पड़ता है तो 10-20% पड़ता है, क्योंकि सभी चीज़ें आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप में टैलेंट है तो आप कोई भी कॉलेज से क्यों ना पढ़े होगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे मेरे से भी अच्छी अच्छी कॉलेज में पढ़े थे, तो भी उनकी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है मुझे पता है, या फिर मेरे से भी ख़राब कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी मेरे से अभी आगे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कॉलेज से कोई डिपेंड नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत टॉप लेवल पे हो और आपको उसमें से डिसाइड करना है तो मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया वो डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस, इंटरमीडिएट या लो लेवल की कॉलेजेस भी चेक कर रहे हो तो ऐसी चेक करें। और बहुत लो लेवल की कॉलेज अगर आपकी है तो उसमें आप, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगे, भले उनकी बस क्यों ना हो,
मैंने यहाँ पे कभी गणपत यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, मेहसाना वाली कॉलेज। मेरे घर से मेहसाना का डिस्टेंस ही 70-80 किलोमीटर है, भले उसकी प्राइवेट बसेस क्यों ना हो, लेकिन मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप मेहसाना साइड के स्टूडेंट हो तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप वहाँ पे कहीं पे विसनगर हो, उस गणपत कॉलेज हो, वहाँ पे ही एडमिशन लो। यहाँ तक लॉन्ग रूट पे आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको जो 3 साल निकालने हैं, 4 साल निकालने हैं, उसमें डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। मुझे अगर मैं LDRP में एडमिशन ले रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं कभी भी कॉलेज जाके कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर मेरी कॉलेज LD होती तो क्या मैं घर से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कभी भी काट के आ सकता था? इतना आप सोच सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल कैसी है, वहाँ की मेस फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल नहीं है तो आसपास में रहने की फैसिलिटीज़ कैसी है, रूम रख के रह सकते हो, ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। और जब आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो ना, तब जाके कॉलेज देखाओ। और कॉलेज में जब आप जाओगे, अभी तो ऑफलाइन शुरू हो रही है 15 तारीख से, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से 5 स्टूडेंट को पकड़ लो, उसको बोलो भाई मैं डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन लेने वाला हूँ। अगर लेने वाले हो डिप्लोमा से डिग्री, तो क्या मैं तेरी कॉलेज में डिग्री में इस ब्रांच में एडमिशन? तो 5 लोगों को पूछोगे, उसमें से अगर 4 बोलते हैं ले ले तो ले लो, अगर 4 बोलते हैं नहीं ले तो मत ही लेना। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही होंगे कि नहीं लो, ऐसे वाले ही होंगे, फिर आपका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको कॉलेज के लिस्ट बताए, वो कॉलेज के लिस्ट सभी बेहतरीन कॉलेज हैं, उसमें से प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन आपके घर से कौन सी कॉलेज कितनी नज़दीक है वो एक बार देख लेना। वहाँ की फैकल्टीज़ को एक बार उनकी वेबसाइट में जाके देखो, आपको फैकल्टीज़ देखने से भी पता चलेगा, वेबसाइट से बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको पता चल जाती है कि भाई कॉलेज ने कौन से अचीवमेंट्स की है, कॉलेज कैसे नाम पे है, वो सभी चीज़ें। उसके रिव्यूज़ देखो कॉलेज के, गूगल में रिव्यूज़ भी होते हैं सबके। माई इंस्टीट्यूट करके एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको उसकी जो इंस्टीट्यूट है उसकी सारी डिटेल्स मिलती है, फैकल्टी, फीस, ब्रांच, कितनी शीट्स, वो सब भी चीज़ों का एनालिसिस आपको मिलता है। और सबसे बेस्ट एनालिसिस तो यही है कि आपको जो कॉलेज पसंद है वो कॉलेज की, आपकी मान लो ब्रांच कंप्यूटर में लेना है तो कंप्यूटर का 2020 का कट ऑफ कितना था, वो कट ऑफ के लिए आप कहाँ पे जाइए, SCPC एडमिशन की वेबसाइट में जाए, वहाँ पे लास्ट टाइम का कट ऑफ दिया हुआ है। आप कट ऑफ भी देख लोगे ना तो भी आप अपने से नंबर दे पाओगे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और उसमें से आप देख लो कौन सी नज़दीक कौन सी दूर और आपके लिए कौन सी अच्छी है जो आपको कन्वीनियंट रहे। तो आई होप आपके कॉलेज के रिलेटेड सभी डाउट सॉल्व हो गए होंगे। जितनी जहाँ पे मैंने जो ये कॉलेज के नाम बताए हैं वो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख के मैंने बताए हैं और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के ऊपर से बताए हैं, उसमें से किस में एडमिशन लेना किस में न लेना वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा प्रियेश्वर विद्यापीठ है या फिर टेलीग्राम हैंडल मेरा प्रियेश्वर विद्यापीठ है, उसमें जाए, नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, हमें वहाँ पर क्वेश्चन करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। या फिर आपको हमें कुछ भी पूछना हो वहाँ पे जाके ना पूछना हो तो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ के जाके भी आप कमेंट करें, अगर आपकी कमेंट जेन्युइन होगी तो हम आपको श्योर रिप्लाई देंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट का डाउट है कि सर बेस्ट कॉलेज कौन सी और कैसे कॉलेज सिलेक्ट करें। और D2D वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दिया है, वो एक बार देख लेना, आपके बहुत काम का है। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, पूरी D2D की प्रोसेस में हम आपके साथ रहने वाले हैं, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करें, कैसे अप डाउन करें, कैसे कौन सी कॉलेज पहले डाले कौन सी बाद में डाले, सब चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक साथ में रहेंगे, और एडमिशन के बाद भी आपके ब्रांच के सब्जेक्ट के वीडियो कोर्सेज के बारे में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें फ्री कोर्सेज भी हो गए, पेड कोर्सेज भी हो गए। सो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।